मेरी हसरत मेरा अरमान मोहम्मद के लिए, इसको चाहा वही बेवफा हो गया। मैं गजल नहीं गा रहा हूँ क्योंकि आज मैं मिलवा रहा हूँ एक ऐसे कलाकार से जो गजल गाते हैं, कव्वाली गाते हैं, मगर इनके बारे में जितना ही बात करें तो बहुत कम होगा क्योंकि एक डॉक्टर भी है ये। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे प्रसिद्ध कलाकार जो चारों तरफ लोगों के बीच जा जा करके अपना फरमान जगाते रहते हैं। निज़ाम वारसी कव्वाल चलाओ ग्राम और पोस्ट। दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया, जिसको चाहा वो बेवफा हो गया। दोस्तों आपने ऐसी बहुत सी गज़लें सुनी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे फनकार जो अपने प्रतिभा को चारों तरफ जा करके साजबाज के साथ बिखेरते रहते हैं, और इनके बारे में खास बात और है कि हम लोग मौजूद हैं इस समय धामुपुर में मौजूद हैं, और बाबा कौशी बाबा की मज़ार है उसी में बैठे हुए हैं। इनके बारे में पता चला कि बाबा आप एक डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर किस प्रकार के हैं बताएँगे, बस आप परिचय बताइए अपना। देखिए हम जो कि कोई शय, जैसे कोई भूत बताल कोई चीज़ ऊपरी शय होती है उसके बारे में जो कि हम काम करते हैं। जी गज़ल कव्वाली गजल गाते हैं, कव्वाली गाते हैं और नाद वगैरह जानते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में क्या जाने कि नाद क्या होता। नाद बाकी हम चाहेंगे कि कम से कम हमारे दोस्तों के लिए छोटी सी गजल सुनाएं, इसके बाद बातें करेंगे। जी जी तो सुन लीजिए आप लोग। जी जी जरूर। अरे जिसे तू चाहे नवाज दे, वाह वाह वाह, जिसे तू चाहे नवाज दे या मेरे गौस इब्राहिम सरकार, जिसे तू चाहे नवाज दे। तू बड़े घराने का लाल है जिसे तू चाहे नवाज दे, तू बड़े घराने का लाल है जिसे तू चाहे नवाज दे, तू बड़े घराने का लाल है। अरे मुझे दिल से लगा के मत छोड़ना, अरे मुझे दिल से लगा के मत छोड़ना, मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे दिल से लगा के मत छोड़ना, मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे दिल से लगा के ना छोड़ना, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। वाह 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 क्या बात। हाँ बाबा जी ये बताइए आपकी, जैसे कि आपने कहा कि दिल से निकाल, ये चीज़ें होती हैं उनके लिए जो इंसान किसी से प्यार करता है, और बाबा जी से प्यार करता हो किसी भी चीज़ से, हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म, बात बराबर है। लेकिन आपने लंबा लंबा बाल रखे हैं जो कि लड़कियों का हुआ होता है, पान भी खा रहे हैं, ये सब क्यों? देखिए ये बाल जो है, जैसे औरतें सुहागन रहती हैं उसी तरीके से हम लोग पीढ़ी मुदीदी में हम लोग सुहागन हैं, बाबा लोगों का सुहागन है। अक्सर लोग पूछते भी हैं कि बाबा मजार क्यों और बाल क्यों रखते हैं। हम लोग दीवाने हैं। अच्छा। हम लोग की दीवानगी है। अच्छा। और इस दीवानगी को सबके बस की बात नहीं कि उसको तौल ले या सबको समझ में आ जाए। कब से आपको ये आ गया कि मतलब हम कव्वाली गाएंगे? देखिए कव्वाली तो 35 वर्ष हो गए मुझको गाते हैं। 35 वर्ष? जी 35 वर्ष से कव्वाली गाते हैं। जी अच्छा, कोई वीडियो वीडियो है यूट्यूब पे आप? नहीं वीडियो देखिए सब नहीं, लोगों का है। नहीं नहीं ठीक है, कोई नहीं है, मुझको गरीबी दबाई है और गरीबी को दबाने की वजह से कहीं कुछ हुआ नहीं। अब आ गए हैं बाबा जी के मजार पर, उनके लोगों की सेवा कर। बस बस जी बाबा जी की सेवा कर, अगर गायकी भी करते हैं। अच्छा एक नात हो जाए। हाँ नात पढ़ देते हैं। हाँ नात नाद पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए। मेरी हसरत मेरा अरमान मोहम्मद के लिए, मेरी हसरत मेरा अरमान मोहम्मद के लिए, मेरी हसरत मेरा अरमान मोहम्मद के लिए, मेरी आंखें हैं परेशान मोहम्मद के लिए, मेरी आंखें हैं परेशान मोहम्मद के लिए, कि बाल बच्चे मेरे कुर्बान मोहम्मद के लिए, क्या समझता है नादान मोहम्मद के लिए, अरे जान दे देगा मुसलमान मोहम्मद के लिए, जान दे देगा मुसलमान मोहम्मद के लिए।